दोस्तों आज मैं सुजुकी एसएस 125 सीसी ये ओल मॉडल है। आज इसका कार्बोरेटर मैंने पूरा ओपन करके पूरा उसको अच्छी तरह से आपको इसमें समझाऊंगा। उससे पहले वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको कार्बोरेटर के अंदर अंदर क्या चीज का प्रॉब्लम होता है उसको अच्छी तरह से आपको समझा दे रहा हूँ। आपने कार्बोरेटर को ओपन किए, ओपन करने के बाद आप सिलोजेट फास्ट जेट एयर स्क्रू आपने पूरा खोल के उसको ओपन करके अच्छी तरह से क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद आप फिटिंग करते हैं, तभी भी गाड़ी आपका सिलो जैसे रुकना चाहिए, जैसे सिलो नहीं रुकता है। तो अच्छी तरह से कार्बोरेटर क्लीन करने का मतलब क्या होता है, आप जो पहले वाला जो जेट होता है सिलो वाला जेट, सिलो जेट जहां लगता है उसको अगर देखेंगे तो वहां से बारीक से एकदम होल रहता है। तो होल भी अगर क्लीन रहेगा तभी आपका जेट काम करेगा, नहीं तो आपका जेट काम नहीं करेगा। आपने जेट सफा कर दिया, होल तो सफा किया ही नहीं, तो आप वो गाड़ी के बराबर परफेक्ट सिल्वर नहीं होगा, सेटिंग में गाड़ी नहीं आएगी। फर्स्ट नंबर एक। सेकंड नंबर, आप जो यार स्क्रू होता है जो पेट्रोल को सेटिंग करने का तरीका जो होता है, एयर स्क्रू क्या काम करता है, वहां से बारीक से होल गया हुआ है पेट्रोल उसके थ्रू से जाता है, तो होल को हल्का से बंद करना और ओपन करना इसे खोलना वही काम करता है स्क्रू को, काम ये है। और जो फास्ट वाला स्क्रू है जेट है जो फास्ट वाला जो जेट बड़ा वाला, वो क्या काम करता है, जब आप इसके लेटर देखते हो तो जो स्लेट रहता है स्लेट के अंदर देखो बारीक से पिन रहता है, जब वो पिन ऊपर जाता है तो उसके थ्रू से पेट्रोल बाहर आता है। अब कार्बोरेटर के पास आप देखेंगे कि जो आगे कार्बोरेटर के पास है उधर देखो दो तीन होल रहता है, वहां से पेट्रोल का सप्लाई होता है, तो उसको भी अच्छी तरह से जो होल होता है उसको भी अच्छी तरह से आपको क्लीन करना है। आपके पास समझ लो पेट्रोल मार के अच्छी तरह को देख लेना चाहिए कि पेट्रोल यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, तब समझ लो सब जगह से सही आ रहा है तो आपका कार्बोरेटर बराबर परफेक्ट है। अगर समझ लो आप पेट्रोल डाल रहे हो पेट्रोल आ नहीं रहा, जैसे आगे जब होल से डाल रहे हो तो जेट के पास से आएगा, आप होल से डाल रहे हो तो एयर स्क्रू के पास से आएगा, आपका अपना जो होता सिलो जेट आप वहां भी कभी देख लिया खोलो वहां से बारीक होल रहता है। ये सब अच्छी तरह से आप क्लीन करोगे तो आपका गाड़ी का जो होता है कार्बोरेटर एकदम अच्छी तरह से सेटिंग हो जाएगा। और जो बड़ा जेट आप कभी भी ओपन करते हो उसके अंदर एक छोटा से पित्तल का निप्पल जैसे लगा हुआ रहता है। अगर कभी आपने कार्बोरेटर खोले कोई बच्चा गलती कर देता है, जैसे आप कार्बोरेटर खोलेंगे, कार्बोरेटर खोलने के बाद वो क्या होता है बड़ा जेट निकाल दिया वो अंदर का सामान जो होता है कभी गिर जाता है, गिरने के बाद सब ध्यान नहीं दिए आपने जेट लगा दिया, जेट तो परफेक्ट आपका टाइट हो जाएगा लग जाएगा, बोला गाड़ी आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत देगा, आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, इस चीज़ ध्यान से देख लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा तो आप अच्छी तरह से हमारी बात को समझोगे, क्योंकि क्या होता है वीडियो बना दिया, वीडियो आप देखने जा रहे हो तो वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसमें अच्छा नहीं लगता है, कि इसलिए मैं उसको कोई वीडियो पहले मैं बना लेता हूँ रिकॉर्डिंग करके, आप अच्छी तरह से हमारा ये जो आपको बात बता रहा हूँ अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपकी कार्बोरेटर में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा। कार्बोरेटर बहुत इजी से जल्दी तो कार्बोरेटर खराब होता ही नहीं, ये जो तरीका बताया तरीका आप यूज करोगे तो आपको कार्बोरेटर यूज करने नया यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी इसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया हूँ अब हमारा वीडियो नेक्स्ट देखिए। दोस्तों आज मैं सुजुकी 125 सीसी ओल्ड मॉडल गाड़ी है उसका ये कार्बोरेटर मैंने निकाला हूँ। आज इसमें आपको खाली दिखाने के लिए कार्बोरेटर निकाला हूँ, इसमें कार्बोरेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ जैसे इंजन फास्ट नहीं हो रहा है, एवरेज नहीं दे रहा है गाड़ी, गाड़ी और भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी गाड़ी से चला रहे हो पिकअप नहीं दे रहा है, तो उसका कार्बोरेटर के अंदर आपको आज एकदम डिटेल से बताऊंगा, आप ये ध्यान से वीडियो देखो।
फर्स्ट नंबर अभी मैंने ओपन किया हूँ, इसमें दो स्क्रू लगा हुआ है। अभी ये स्लेट में निकाल दे रहा हूँ, ये स्लेट निकल गया हुआ है। इसमें कार्बोरेटर के अंदर सुजुकी ऐसे जो ओल्ड मॉडल है, इसमें देखो एक होल लगा हुआ है, देखो इसमें होल है अंदर। तो इसमें कंपल्सरी ये गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। अगर ये गाड़ी के अंदर नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, आपकी गाड़ी का पिकअप नहीं बराबर लेगा, आपकी गाड़ी ओरिजिन नहीं देगा। ये आप चेक कर लेना चाहिए। अभी आपको मैंने पिन का बता दिया हूँ। अभी मैं इसमें कार्बोरेटर ओपन करने जा रहा हूँ। कार्बोरेटर ओपन अभी चारों स्क्रू खोला नहीं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप यहाँ छोटा सा पिस्टन लगा हुआ है ब्लैक कलर का, वो देख लेना चाहिए। उसका रिंग अगर कटा हुआ रहेगा तो गाड़ी भी आपकी सिलो में नहीं रुकेगा। और यहाँ भी देखो रिंग लगा हुआ है, अगर ये रिंग कटा हुआ रहेगा तभी भी गाड़ी बराबर सिलो में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान से लगाना चाहिए। अभी मैं आपको कार्बोरेटर ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन करके आपको उसके अंदर और भी बताता हूँ मैं कि कार्बोरेटर सेटिंग में क्यों नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम होता है सेटिंग के लिए। अभी इसमें ये ओपन कर दिया हूँ पूरा, सारे स्क्रू खोल के नीचे जो होता है कटोरा जिसमें पेट्रोल भरता है, मैंने ओपन कर दिया हूँ। अब इसमें आपको ये सिलो जेट है, ये जेट में अगर कचरा जाएगा तो आपकी गाड़ी सिलो में नहीं रुकेगा। तो इसको खोल के अभी देखिए मैंने ये जेट को बाहर निकाल रहा हूँ। ये बाहर निकल गया। आपने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, हवा अच्छा खासा आ रहा है, इधर से भी हवा आ रहा है, इधर से भी हवा आ रहा है, दोनों तरफ से हवा आ रहा है। जेट आपका सही है, वो समझ लो जेट सही हो गया। और आपका ये तो सही हो गया, आपका परफेक्ट तार डाल के इसको सफ़ा कर दिया। सफ़ा करने के बाद तभी भी गाड़ी सिलो में नहीं रुक रहा, तो क्या करना चाहिए? यहाँ एक बारीक से होल रहता है, ये आपको अभी कैमरे के अंदर दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप अगर पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल कहाँ आता है, जो होता है ये साइड आता है पेट्रोल। इसको अच्छी तरह से इसको सफ़ा भी करना चाहिए, इधर होल आता है इधर आता है। और ये भी सफ़ा करने के बाद आपने पूरा जेट काम कर दिया, जेट काम करने के बाद बता रहा हूँ आपको मैं। और जितना ये होल है इसके अंदर पूरा बाकायदा इतना अच्छी तरह से इसमें आपको क्लीन करना है। ये जितना होल है देखिए, ये सब में क्लीन करना है अच्छी तरह से। इसमें कभी जाके मट्टी या कुछ कचरा जाके अगर जम जाता है, क्योंकि ये खींचता है बाहर, ये फेंकता नहीं, हवा जब खींचता है, हवा खींचने के बाद क्या होता है इसमें कभी इसमें कचरा आ जाता है। इसको बहुत कार्बोरेटर एकदम बारीकी से काम करना पड़ता है। तो इसमें अच्छी तरह से आप क्लीन करना चाहिए, तो आपका जो है सेटिंग नहीं होता गाड़ी, पिकअप भी नहीं रहे, तो भी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा सेटिंग करने, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल जब हवा खींचता है तो पेट्रोल यहाँ से भी सप्लाई होता है। अच्छी तरह से इसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब होल है। इसमें भी आप होल देखो बराबर दिख रहा है, ऐसे दिखना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए एकदम। मैं तो आप जेट खोल दिए, सफ़ा कर दिया, बोलते नहीं कार्बोरेटर सेटिंग नहीं रुक रहा, इसको भी चेक कर लेना चाहिए। अब आपको बड़े जेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़ा जेट कभी आपने खोल लिए, कोई भी गाड़ी का जेट एक खोल लिए, ये खोलने के बाद अंदर देखो छोटा सा पित्तल का डिस्टन लगा हुआ रहता है। कभी बड़ा जेट रहता है तो उसका यहाँ आता है, कभी भी हाथ से चेक कर लेना चाहिए। इसके अंदर देखो बहुत बारीक से लगा हुआ है, इसमें ये दिख रहा है इधर पित्तल का लगा हुआ है। कभी क्या होता है बड़ा जेट खोलने के बाद ये अंदर का जो देखो पित्तल का एक है, वो पित्तल का कभी कोई बच्चा काम सीखने वाला रहता है खोल देता है, खोलने के टाइम में तो खुल जाता है, बाद में लगाने टाइम में वो उसको समझ में नहीं आता है, तो चीज गिर जाता है। कोई भी गाड़ी का आप देख लेना चाहिए, अगर एक सामान गिर गया नीचे से, जैसे मतलब आपने जेट लगा दिया, जेट तो परफेक्ट लग जाता है और टाइट भी हो जाता है, मतलब ध्यान से देखना चाहिए। अगर ये गिर जाएगा तभी भी गाड़ी का आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। आपकी गाड़ी का कभी स्टार्ट हो गया बहुत 10-15 की मारने के बाद,
अब जब इसके लेटर लोगे बराबर परफेक्ट पिकअप नहीं पकड़ेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम और पिकअप प्रॉब्लम भी होता है कार्बोरेटर की वजह से। और इसमें आपको अभी और एक दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कार्बोरेटर अभी आपकी गाड़ी का, अब मैं पेट्रोल का बता रहा हूँ, पेट्रोल का तरीका, जैसे आपके कटोरी में पेट्रोल इतना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, अगर इतना आएगा तभी भी गाड़ी आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देगा, इतना कम से कम आना चाहिए पेट्रोल इसके अंदर, ये देखिए इतना आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए इसके नीचे, अगर इतना नीचे आएगा तो गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको क्या करना चाहिए, अभी ये फ्लोट है, इसके अंदर पिन है, एक तरह देखो पट्टी लगा हुआ है पतरे का है, थोड़ा सी इसको आप इसको हल्का से ऐसे थोड़ा उठाना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर थोड़ा उठाने के बाद आप फिर ऊपर लगा के इसमें चेक करना चाहिए हमारी गाड़ी में अभी जो कटोरा इसके अंदर कितना पेट्रोल आ रहा है, ज़्यादा करोगे तो ओवरफुल होगा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इसको और कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। तो आप इसको अच्छी तरह से चेक करने का तरीका यह है कि पेट्रोल आप उसमें बढ़ा कैसे सकते हो, अभी मैं पेट्रोल बढ़ाने के बाद बता दिया हूँ। अब इसमें आपको एयर स्क्रू, जो एयर स्क्रू होता है जिसको पेट्रोल सेटिंग किया है, पेट्रोल ये क्या काम करता है, आप जब इसको ओपन करते हो, ओपन करने की वजह से क्या होता है पेट्रोल और खींचता है, ये पेट्रोल को बंद करता है और खींचता है। अभी इसे बंद ये करोगे अंदर दबाओगे तो पेट्रोल आस्ते आस्ते स्लो होता है, जब आप इसको ओपन करोगे तो आस्ते आस्ते पेट्रोल बढ़ता है। आप जितना इसको अगर बाहर ज़्यादा रखा हुआ रहेगा तो आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देगा, आपकी गाड़ी पिकअप बराबर रहेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। आप अगर इसको सेटिंग करना है इसको अच्छी तरह से इसको पहले फास्ट करना चाहिए, जितना चाहिए उतना इसे घुमाते रहना चाहिए, आप जहाँ इंजन फास्ट हो गया उधर इसको छोड़ देना चाहिए, फिर इसको सिलो करना चाहिए, आपको जितना फास्ट सिलो चाहिए आप जो करो उतना कर सकते हो। अभी मैं एयर स्क्रू के बारे में बता, जब से यहाँ सेटिंग नहीं हो रहा है आपका कमल लोए, तो इसमें एक छोटा से आपको बता दे रहा खोल के ओपन करके, ये देखिए ये जेड को मैंने ओपन कर दिया, ये अभी इसको समझ लो सिलो फास्ट करने का, सिलो जो मान लो जो होता है पेट्रोल का फास्ट सिलो करने का, इसका है एयर स्क्रू, एयर स्क्रू कोई बोलता है कोई अलग नाम दिया था, मैं इसको एयर स्क्रू बोलता हूँ। तो एयर स्क्रू क्या काम करता है, इंजन को फास्ट स्क्रू कैसे होता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखो बारीक आगे एकदम बारीक पॉइंट है, ए पॉइंट को जैसे पेट्रोल को फास्ट और स्लो करता है। आप जितना आप इसको बाहर खोलोगे तो ये बाहर आता पॉइंट, जितना आप इसको अंदर करोगे तो ये अंदर जाता है, तो पेट्रोल को जो सप्लाई होता है अंदर जाने के बाद सप्लाई कम कर देता है, इसका एक काम है, यही काम है कि पेट्रोल को कम और ज़्यादा करना है। और इसका जो पिन होता है ये अक्सर करके सुजुकी एसएस ओल्ड मॉडल में प्रॉब्लम होता है, आप कभी भी जब एयर स्क्रू खोल के देख लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये स्क्रू टाइट करने के बाद अंदर कभी टूट जाता है, अंदर जब टूट जाएगा तो इसके अंदर सेटिंग नहीं हो पाएगा, ये देखिए इसके अंदर से सेटिंग नहीं हो पाता है, इसके अंदर रहता है, ये क्या होता है पी से टूट जाता है, टूटने के बाद अंदर ही फंस जाता है। आप जब स्क्रू खोलोगे तो बराबर आपको खुल जाएगा, स्लो भी फास्ट भी होगा, मेरा सेटिंग बराबर नहीं होगा। अब ये सब तरीका मैंने आपको कार्बोरेटर का सेटिंग करने का ये सब तरीका बताया हूँ, अभी जैसे मैंने ये सब खोला था इसको, ये वीडियो जो मैंने बनाया हूँ आप लोग के लिए बनाया हूँ, कोई भी गाड़ी का इसी तरीका चेक करना चाहिए। आप सोचेंगे सुजुकी एसएस का सर ने बताया दूसरी गाड़ी का अलग रहता है, नहीं आपका सोच अलग है, इसमें एक ही बात सोचने का, जैसे सब गाड़ी का सेटिंग कार्बोरेटर का होता है उसी तरीका इसका भी होता है, ये पूरा जो सेटिंग करना है, क्योंकि मैंने कार्बोरेटर क्यों बना रहा हूँ पूरा डिटेल आपको बताया हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉल आया हुआ था, बोलते सर सुजुकी एसएस का कार्बोरेटर में बहुत अंदर प्रॉब्लम होता है, आप इसको अच्छी तरह से एक वीडियो बनाओ अपलोड करो, कि जैसे मैं फंसा हूँ ऐसे कोई और भी बंदा फंसेगा तो आपका वीडियो देख के काम उसका सॉल्व हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो
अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी ये जो सिलेट है, सिलेट के अंदर देखो एक पिन है छोटा सा। ये पिन क्या करता है, जब आप स्केलेटर देते हो इसके साथ में पिन भी ऊपर आता है, तो पिटोल क्या होता है, जब ये ऊपर आता है तो पिटोल खींचता है। पिटोल खींचने के बाद तब आपकी गाड़ी पिकअप करता है। स्लेट का काम यही है कि ये ऊपर, ये भी ऊपर आता है तो पिटोल इसके थ्रू से ज़्यादा खींचता है। ये स्लेट का जो काम होता है यही काम करता है कि पिटोल को फास्ट और स्लो करना, और जो हवा होता है हवा को ये कंट्रोल करता है स्लेट के जरिए। अब ये स्लेट है पूरा इधर लगाऊंगा तो इधर पूरा पैक हो जाता है। जब आप इसको एक्सीलेटर देते हो, जैसे देने के बाद क्या होता है, ये स्लेट जब जैसे ऊपर आता है या ऐसे इसको मुंह खुलता रहता है, जब मुंह खुलेगा तो आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ना चालू हो जाता है। अगर इसको आप बंद रहेगा तो आपकी गाड़ी का समझ लो बराबर परफेक्ट नहीं चलेगा। इसका क्योंकि तार सिस्टम है, ये तार से चलता है, हवा के ऊपर ये नहीं चलता है स्लेट।